हर कोई हर रोज अपने जिंदगी में छोटे से लेकर बड़े फैसले लेता है। ऐसे में आपके लिए कोई फैसला सही रहता है तो कोई गलत हो जाता है। बस इसी तरह से हम सबकी जिंदगी चलते रहती है। आप भी चाहते हैं कि आपका लिया गया हर फैसला सही हो, जिंदगी में कहीं पर भी गलती ना करें। लेकिन सवाल ये आता है कि मैं ये कैसे जानूं कि जो मैंने आज ये फैसला लिया है वो सही होगा, या फिर सही फैसला कैसे लूं? देखो दोस्तों, अगर आपको आपके फैसले पर पूरा भरोसा है तो फैसला आपके लिए सही रहने वाला है। लेकिन अगर आपके मन में उस फैसले को लेकर कोई शंका है तो आपको उसके ऊपर सोचने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके शेयर करता हूं जो आपको फैसला लेने में मदद करेगा। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आप सही फैसला लो तो आपके अंदर के डर को खत्म करना होगा, क्योंकि जिस फैसले में आप कंफर्टेबल फील करते हो वो फैसला हमेशा सही रहता है। लेकिन अचानक से लिया गया फैसला 60% तक हमारे खिलाफ ही होता है। फैसले लेने में अगर आपको कोई डर या शंका लग रहा है तो अपने सभी शंका और डर को लिस्ट आउट करें। एक कागज पर अपना फैसला लिखें और ये भी लिस्ट आउट करें कि आपको इस फैसले में कौन कौन सी शंका है या कौन कौन सा डर है जिसकी वजह से आपको फैसला ले नहीं पा रहे हैं। लिस्ट बनाकर अपने डर या शंका के लिस्ट को पढ़े और अपने ठंडे दिमाग से सोचे, और तब अपने कमजोरी को समझ पाओगे और सही फैसले ले पाओगे। ज्यादा सोचना भी बंद करें। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम किसी फैसले को लेने से डर जाते हैं तो हमारा दिमाग उस फैसले के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है, और ज्यादा सोचने के चक्कर में हम अपनी सोचने की शक्ति को कमजोर कर लेते हैं। और ऐसे वक्त में हम जो भी फैसला लेते हैं वो हमारे खिलाफ जाता है। तो जब भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ज्यादा सोचना बंद कर दो। ये वाला सवाल आपके लिए भी बहुत दिलचस्प होगा कि डर के समय किसकी सुने, अपने दिल की सुने या दिमाग की? ऐसे वक्त में अगर आप अपने दिल और दिमाग को संतुलित कर पाए तो आप सही फैसला ले पाओगे। अगर आप किसी फैसले में बुरे फंस गए हो तो ऐसे में किसी की सहायता लेनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी समस्या बताएं जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो आपको ये समस्या शेयर करने पर आपकी मदद कर पाए और आप उसमें अच्छा फील कर पाए और वहां से आपको सही सुझाव मिल पाएगा। इसी कड़ी में अगला जबरदस्त पॉइंट है, कुछ फैसला आज आपको लगता है कि ये सही है लेकिन वो कुछ दिन के बाद ऐसा महसूस होता है कि आपका फैसला गलत था। ऐसे में बहुत से लोग अपनी गलती को अपने दिल में बिठा लेते हैं और गम में डूब जाते हैं। अगर आपसे भी ऐसा कुछ हुआ तो आपको उसको दिल से लगा के नहीं बैठना है। आप गम में ना खोए। आपका फैसला चाहे जो मर्जी हो, बस अपने फैसले को एक्सेप्ट करना सीखो। सोचो, यस मैंने फैसला लिया। फैसला गलत हो तो भी ये बोलो कि मैंने फैसला लिया था बट गलत हुआ, और अपने हर एक फैसले से कुछ ना कुछ सीखते रहो। फैसला आज के बल पे लो कि आज हम अच्छे फैसले लेंगे, वर्तमान में अच्छे फैसले लेंगे तो भविष्य भी अच्छा हो ही जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत प्यार।